कोई कागज आया नहीं है। डीएम साहब के पास जाओगे, डीएम साहब म्यूटेट होंगे, सीएमओ साहब पास गया था कल कह दोगे तो आप आदेश कर देंगे तो कागज। मुझे अभी ये प्रकरण आपके द्वारा मालूम हुआ है, मुझे कोई लिखित शिकायत अभी तक नहीं मिली है, लेकिन आपके कहने पे मैं इसकी पूरी इंक्वायरी कराऊंगा और उन्होंने पैसा लिया है और इन्होंने धमकी दी है तो उसकी सख्त कार्रवाई इनके की जाएगी, उसके शासन को लिख दिया जाएगा। इसके पूर्व में भी इनके खिलाफ हमने जो है शासन को लिखा है और काफ़ी सख्त आदेश लेटर हमने बना के भेजा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोबारा हम फिर रिमाइंडर भेजेंगे और कोशिश करेंगे हम जो हमारे महानिदेशक जी हैं उनसे हम प्रश्न कहेंगे कि इस पर कार्रवाई करें। इससे पहले क्या शिकायत थी इनकी? इसके पहले यही पैसा लेने की और बाहर दवा लिखने की शिकायतें थी, तमाम शिकायतें थी। उस पर जो है ये प्राइवेट नर्सिंग होम चलाते थे उसमें, तो उसके लिए शिकायत थी, तो सब चीज़ के सामूहिक रूप से हमने जो है लिख के भेजा था जो है। और इनका दो बार नर्सिंग होम सीज भी हो चुका है, डीएम साहिबा थी हमारे यहाँ माला श्रीवास्तव जी उनके द्वारा जो है, और उसके बाद कोई कार्रवाई हुई नहीं है और इसलिए इनका मनोबल थोड़ा बढ़ा हुआ है। मैंने बीच बीच में सारे डॉक्टरों को मैं लिखित रूप से भी मौखिक रूप से भी मैं कह चुका हूँ कि या कोई दवाई बाहर की लिखी गई या किसी माल प्रैक्टिस की गई पैसा लिया गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, सख्त कार्रवाई करूँगा, शासन लिखूँगा।